नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक पॉमिस्ट्री के नए एपिसोड में। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो है फिंगर टिप टाइप्स के बारे में। फिंगर टिप्स यानी उंगलियों के टिप्स आपकी पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट्स को रिवील करते हैं। हम आज डिटेल में समझेंगे कि अलग अलग फिंगर टिप शेप्स क्या सिग्निफाई करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कॉनिकल टिप्स सबसे पहले बात करते हैं। कॉनिकल टिप की ये टिप उंगली के आगे की तरफ पतली और पॉइंटेड होती है। कुछ ऐसे कॉनिकल टिप्स वाले लोग ज्यादा इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और सेंसिटिव होते हैं। इनके आइडियाज इनोवेटिव और यूनिक होते हैं और ये लोग किसी भी चीज को डीपली एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं। कॉनिकल टिप वाले लोग अपने इमोशंस और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में काफी सक्षम होते हैं। ये लोग अपनी इंट्यूशन और फीलिंग्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक परस्यूट्स में ये लोग एक्सेल करते हैं। इनका अप्रोच जनरली जेंटल और कंसिडरेट होता है। पॉजिटिव ट्रेट्स, इनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की डेप्थ बहुत अच्छी होती है। ये लोग आर्टिस्टिक फील्ड्स में एक्सलेंट परफॉर्म कर सकते हैं और किसी भी चीज को बहुत ही डिफरेंट और क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स, लेकिन इनका ओवर सेंसिटिविटी और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कभी कभी इन्हें स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार बना सकता है। ये लोग कभी कभी अपने क्रिएटिव आइडियाज को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। राउंड टिप्स, अब बात करते हैं राउंड टिप की। ये टिप उंगली के आगे से राउंड और कर्व्ड होती है। राउंड टिप वाले लोग जनरली वार्म, फ्रेंडली और अप्रोचेबल होते हैं। इनका नेचर एम्पैथेटिक और कैरिंग होता है। ये लोग दूसरों की नीड्स और फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं और हेल्प करने में बिलीव करते हैं। राउंड टिप वाले लोग सोशल और सपोर्टिव नेचर के होते हैं। ये लोग रिलेशनशिप्स और फैमिली वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका अप्रोच जनरली रिलैक्स्ड और ओपन होता है। ये लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आसान फील करते हैं और दूसरों के साथ कंफर्टेबल इंटरेक्शन मेंटेन करते हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स, इनकी एम्पथी और सोशल स्किल्स एक्सलेंट होती हैं। ये लोग फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बना सकते हैं। इनकी कैरिंग और सपोर्टिव नेचर दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नेगेटिव ट्रेट्स, लेकिन कभी कभी इनका ओवर फ्रेंडली नेचर उनको इमोशनली वल्नरेबल बना सकता है। ये लोग अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करने में ज़्यादा ही ओपन हो सकते हैं, जो कभी कभी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है स्क्वायर टिप। ये टिप उंगली के आगे से स्क्वायर और फ्लैट होती है। स्क्वायर टिप वाले लोग प्रैक्टिकल, लॉजिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। इनका नेचर डिसिप्लिन्ड और मेथोडिकल होता है। ये लोग किसी भी काम को सिस्टमैटिकली अप्रोच करते हैं और प्लानिंग में बिलीव करते हैं। स्क्वायर टिप वाले लोग जनरली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सेल करते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकलने में माहिर होते हैं। इनका फोकस टास्क कंप्लीशन और एक्यूरेसी पर होता है। पॉजिटिव ट्रेट्स, इनकी मेथोडिकल और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में मदद करती है। ये लोग एनालिटिकल स्किल्स में स्ट्रांग होते हैं और किसी भी सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स, लेकिन कभी कभी इनकी ओवर ऑर्गेनाइजेशन और रिजिडिटी उनको इनफ्लेक्सिबल बना सकती है। ये लोग चेंजेस को अडेप्ट करने में मुश्किल फील करते हैं और एक्सेसिव प्लानिंग के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। स्पैटुलेट टिप्स, अब बात करते हैं स्पैटुलेट टिप की। ये टिप उंगली के आगे से ब्रॉड और स्लाइटली फ्लैटेंड होती है। स्पैटुलेट टिप वाले लोग एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इनका नेचर एडवेंचरस और डायनेमिक होता है। ये लोग नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और हर सिचुएशन को पॉजिटिवली अप्रोच करते हैं। स्पैटुलेट टिप वाले लोग जनरली हाई एनर्जी और एडवेंचरस नेचर के होते हैं। ये लोग अपनी एक्टिविटीज और गोल्स को पैशनेटली परस्यू करते हैं। इनका अप्रोच प्रोएक्टिव और डेयरिंग होता है। पॉजिटिव ट्रेट्स, इनकी एनर्जेटिक और एडवेंचरस नेचर उनको लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में मदद करती है। ये लोग किसी भी चैलेंज को करेजियसली फेस करते हैं और डायनामिक अप्रोच रखते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स, लेकिन कभी कभी इनकी एक्सेसिव एंथुजियाज्म और इम्पल्सिवनेस उनको रेकलेस और केयरलेस डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती है। ये लोग कभी कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में स्ट्रगल करते हैं। मिक्स टिप्स, लास्टली हम बात करेंगे मिक्स टिप के बारे में। ये टिप डिफरेंट शेप्स का कॉम्बिनेशन होती है। मिक्स टिप वाले लोग काफी बैलेंस्ड और अडेप्टेबल होते हैं। इनका नेचर जनरली वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल होता है। ये लोग अपने डिफरेंट ट्रेट्स को इफेक्टिवली कंबाइन कर सकते हैं। मिक्स टिप वाले लोग वेरियस एस्पेक्ट्स को एक साथ हैंडल करने में स्किल्ड होते हैं। ये लोग अपनी डिफरेंट क्वालिटीज को बैलेंस करने में माहिर होते हैं और लाइफ के डिफरेंट एरियाज में कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स, इनकी अडेप्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी इन्हें लाइफ के डाइवर्स चैलेंजेस को एफिशिएंटली हैंडल करने में मदद करती है। ये लोग अपने डिफरेंट ट्रेट्स को इफेक्टिवली इंटीग्रेट करते हैं और बैलेंस्ड लाइफ लीड करते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स, लेकिन कभी कभी इनकी मिक्स नेचर और वर्सेटिलिटी उनको इनडिसाइसिव और इनकंसिस्टेंट बना सकती है। ये लोग अपने फोकस को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर सकते हैं और क्लियर डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते। तो दोस्तों, ये था फिंगर टिप टाइप्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपके फिंगर टिप्स आपकी पर्सनालिटी और ट्रेट्स के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अभिषेक पॉमिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
अपनी पोमिस्ट्री जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।